सो व्हाट्सअप पीपल, दिस इज चन्मय विराज एंड कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज हम बात करेंगे मसल गेनिंग वेजिटेरियन डाइट प्लान की, बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि हमें वेजिटेरियन में कुछ खाने को नहीं मिलता, हम प्योर वेज है एंड हमारा जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो पाता। बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, वेजिटेरियन में भी बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास कि हम बहुत चीज़ें खा सकते हैं एंड हमारा जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाएगा। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो गाइस पहली चीज़ हमने उठने के बाद करनी है वो ये है कि 2 ग्लास गर्म पानी पीना, बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग ठंडा पानी पीते हैं उठने के बाद एंड हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, गर्म पानी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है एंड हमें 2 ग्लास गर्म पानी उठने के बाद पीना है। इसका ये रीज़न है कि ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करेगा एंड जो हमारे स्किन सेल्स हैं उसको भी रिपेयर करेगा। एंड गाइस इसकी जो फुल डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा आगे, बट अभी के लिए बस इतना ही। एंड आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको गर्म पानी पीने से क्या क्या फ़ायदे मिले एंड क्या क्या चेंजेस बॉडी में दिखने शुरू हुए। तो गाइस अब हम बात करते हैं जो लोग जिम जाते हैं सुबह उन्हें कौन सा मील लेना चाहिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो लोग सुबह मीन्स कभी भी जिम जाते हैं उनके जो मील के बीच में एंड जो वर्कआउट टाइम के बीच में 1 to 45 मिनट्स का गैप होना चाहिए, जिससे उनको जिम में जाके भारी भारी फील ना हो, वॉमिटिंग जैसा फील ना हो। बिकॉज बहुत लोग मैं देखता हूँ कि खाना खाया 30 मिनट्स बाद ही चलो जी जिम, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उससे हमारी बॉडी में भारी भारी फील होता है एंड जो हमारा वर्कआउट है वो ढंग से नहीं लग पाता। एंड गाइस अब बात करते हैं कि कौन सा मील लेना चाहिए। जो वर्कआउट से पहले उनको 2 ब्राउन ब्रेड पीनट बटर लगा के एंड उसके ऊपर बनाना लगा के वो यूज़ कीजिए, बिकॉज वो एक बहुत अच्छा मील है। उसके अंदर हमें प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्ब्स भी मिल रहे हैं एंड कैलोरीज भी मिल रही हैं। तो गाइस इससे हमारा क्या रहेगा, इससे हमारी जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि जो हमारे गुड कार्ब्स होते हैं वो हमारा एनर्जी लेवल मेंटेन करके रखते हैं। तो दैट इज़ व्हाई गाइस ये आपका हो गया, अगर आप जिम जाते हैं तो ये हो गया आपका फर्स्ट मील। तो अब आते हैं हम गाइस ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में हम क्या क्या ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में हम चना ले सकते हैं, उसके अंदर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं उसको, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। उसके अंदर आप लेमन डालिए, थोड़ा सा चाट मसाला डालें एंड उसके अंदर वेजीज डाल लें, जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एंड आपका जो अनदर ऑप्शन है वो ये है कि आप ओट्स लीजिए, ओट्स के अंदर आप 10 आलमंड्स, 5 वॉलनट्स, बेरीज, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, आप इसका भी एक मिक्सचर बना के आप यूज़ कीजिए, वो भी बहुत अच्छा मील होगा। बिकॉज एक जो ब्रेकफास्ट मील है वो हमारा सबसे हैवी होना चाहिए, जिससे हमारा जो दिन है वो पूरा एनर्जेटिक रहे। सो गाइस अब हम आते हैं लंच पे। जैसे कि आपने देखा जो हमारा ब्रेकफास्ट था वो बहुत हैवी था, बट जो लंच है वो हमने नॉर्मली रखना है, लाइक 2 चपाती प्लस दाल हो गई। दाल हमने वो लेनी है जिसके अंदर हाई प्रोटीन हो, लाइक चना दाल, मूंग की दाल एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पिक्चर में देख ही सकते हैं। तो इसके बाद गाइस हमने लेनी है 1 बाउल कर्ड। कर्ड के भी हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, बिकॉज वो जो हमारा डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करती है एंड जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करती है। एंड इसके साथ साथ हमने लेनी है सैलड। सैलड इज द मस्ट थिंग इन द लंच, बिकॉज सैलड के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा। सो गाइस अगर आप इसके बाद बाहर जाते हैं या बाहर कोई काम के लिए निकलते हैं तो आप 1 ग्लास मौसमी का जूस पी लीजिए, बिकॉज मौसमी का जूस जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है बॉडी के लिए। तो अगर आप नहीं पी सकते तो गाइस शाम को जब भी आपको टाइम मिले तो आप 200 ग्राम फ्रूट्स खा लें एंड आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, बिकॉज बहुत लोग सोचेंगे कि ये वाला फ्रूट नहीं खा सकते इसके अंदर फैट ज़्यादा है, या सीजनल फ्रूट है कभी कभी मिलता है, रोज़ नहीं मिलता, तो आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। सो गाइज अब हम आते हैं आफ्टर वर्कआउट, बिकॉज आफ्टर वर्कआउट जिनके पास प्रोटीन है वो 1 स्कूप प्रोटीन लीजिए एंड जिनके पास नहीं है वो चने ले सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से उसको बना सकते हैं, उसके अंदर 100 ग्राम पनीर डालिए एंड वो खाइए। सो गाइज अब हम आते हैं डिनर पे, जिसके अंदर हम मसाला ओट्स ले सकते हैं, जिसके अंदर हम 100 ग्राम पनीर डाल के खा सकते हैं उसको, या फिर 1 चपाती लीजिए, सैलड लीजिए एंड पनीर की भुर्जी बना लीजिए। सो हमने नाइट टाइम में प्रोटीन लेना ही लेना है, तो इसके लिए हम पनीर को चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज पनीर एक
बहुत अच्छा सोर्स है हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, आप उस पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड गाइज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।